नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन्नर या हिजड़ा और ट्रांसजेंडर प्राणियों के अंतर के बारे में। जेंडर का हिंदी अर्थ तलाशने पर सिर्फ लिंग शब्द मिलता है। जेंडर के बारे में हम एक समाज के तौर पर कितना सही सोचते हैं, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि स्त्री पुरुष के तमाम फर्क को भाषा के स्तर पर सिर्फ उनके यौन अंगों से ही बांटा गया है। तमाम ऊंचे नीचे शब्दों से गुजरते हुए इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एक शब्द को लोगों के बीच दिया है, LGBTQ। इस LGBTQ में शामिल पांच शब्दों में पहले दो शब्दों LG यानी लेस्बियन और गे के बारे में तो अब लगभग सभी जानने लगे हैं, मगर आखिर के तीन शब्दों BTQ को समझने में कई बार चूक हो सकती है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग बसों रेलगाड़ियों में मांगने वाले परलिंगियों को भी किन्न या हिजड़ा समझ लेते हैं, जो गलत है। आइए आपको भी समझाते हैं ये अंतर। किन्नर या हिजड़ा शब्द ट्रांसफर किए गए जेंडर यानी कि गैर कुदरती तरीके से चेंज किए गए सेक्स वाले लोगों के समूह पर आधारित नहीं बल्कि एक सामाजिक वर्ग है। जन्म और समाज के सिलसिले की शुरुआत से ही एक खास तरीके से अपने परम्परागत नियमों और कायदे कानून के साथ डेरा और गुरु चेला परंपरा के अधीन जिंदगी गुजरसर करने वाले लोगों को ही किन्नर या हिजड़ा कहा जाता है। इनको ट्रांसजेंडर नहीं कहा जा सकता बल्कि अंग्रेजी शब्द यूनुच ही इनके लिए इस्तेमाल होता है। हिजड़ा होने का अर्थ सिर्फ बच्चे पैदा करने में अक्षम होना नहीं होता। शादी ब्याह के समय नाच गा कर नेग लेने वाले, एक खास तरह से बोलने और ताली बजाने वाले प्राकृतिक पैदाइशी लोग ही किन्नर या हिजड़ा कहलाते हैं। हिजड़ा समुदाय के कुछ खास तौर तरीके होते हैं और इस तबके में अक्सर तीन तरह के लोग शामिल रहते हैं। पहले वह जिनके अंदर पुरुष प्रजनन अंग ढंग से विकसित नहीं हो पाए हैं। दूसरे वे जिनमें महिलाओं के प्रजनन अंगों का विकास नहीं हुआ है। तीसरा प्रकार ऐसे लोगों का होता है जिनके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के ही अधूरे अंगों के लक्षण होते हैं। हिजड़ा शब्द से समाज के इसी विशेष एक वर्ग को दिखाया जाता है, इसलिए अगर ऑपरेशन द्वारा सेक्स ट्रांसफर करवाने वाले ट्रांसजेंडर या परलैंगिक को भी किन्नर या हिजड़ा कहा जाए तो ऐसा करना कुदरत के नियमों का अनादर करने के बराबर होगा। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर प्राणियों की। ट्रांसजेंडर शब्द का अर्थ लोग अक्सर हिजड़ा या किन्नर समझ लेते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नलसा जजमेंट के अनुसार ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब ऐसा शब्द है जिसके भीतर कई अर्थ और श्रेणियां आ जाते हैं। अब जो लोग ट्रांसजेंडर कहलाते हैं और कई दफा मन की अवस्था के मुताबिक अपनी खुद की मर्जी से दिल्ली इत्यादि के सर्जनों से ऑपरेशन करवा के अपना सेक्स चेंज करवाते हैं, उनमें भी कई किस्म के प्राणी शामिल होते हैं। आइए इनमें अंतर समझते हैं। इनमें से पहला वर्ग है लेस्बियन। वे स्त्रियां जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पुरुषों नहीं महिलाओं के प्रति होता है। आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक लेस्बियन महिला के मन में किसी पुरुष के बजाय किसी महिला के लिए ही आकर्षण पैदा होगा। इनमें से दूसरा वर्ग है गे लेस्बियन का मेल वर्जन है। वे मर्द जिनको स्त्रियों की जगह मर्दों का पुरुषत्व आकर्षित करता है। इनमें से तीसरा वर्ग है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को कई जगहों पर पैनसेक्सुअल भी कहा जाता है। ऐसे लोग जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्त्री पुरुष के फर्क में नहीं पड़ता है। बाइसेक्सुअल औरत या मर्द समान रूप से किसी के भी प्रति आकर्षित हो सकते हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली अपने बाइसेक्सुअल होने की बात कह चुकी है। अब आगे भी वर्गीकरण किया गया है जिसमें से पहला वर्ग है ट्रांस फीमेल। लोग जो पैदा तो पुरुष के शरीर में हुए मगर जिनके अंदर दिमाग एक महिला का है। इतिहास के पन्नों में भी ऐसे तमाम किरदारों का जिक्र मिलता है। हिंदी सिनेमा ने फूहड़ हास्य पैदा करने के लिए इन ट्रांस फीमेल का खूब इस्तेमाल किया है। मेडिकल साइंस के तरक्की के बाद कई ट्रांस फीमेल्स ने सर्जरी के जरिए खुद को फीमेल में बदल लिया है। बॉबी डार्लिन ट्रांस फीमेल का एक उदाहरण है। दूसरा वर्ग है ट्रांस मेल।
स्त्री की देह में कैद पुरुष। तौर तरीके, चाल ढाल और समाज की बनाई हर परंपरा को यह किसी पुरुष की तरह ही फॉलो करते हैं। किसी भी लेस्बियन से अलग एक ट्रांस मेल किसी महिला की तरफ इसलिए आकर्षित होती है क्योंकि वो अपनी कल्पना सिर्फ एक पुरुष की तरह करती है। अगर आप हिलेरी स्वैंग की फिल्म बॉयज डोंट क्राई देखें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक समलैंगिक और ट्रांस में क्या फर्क है। तीसरा वर्ग है ट्रांस फ्लूइड। ऐसी शख्सियत जिनकी लैंगिक पहचान बदलती रहती है, पुरुष की तरह व्यवहार करते करते अचानक से अपनी पहचान एक महिला की तरह देखने वाले या ठीक इसका उल्टा करने वाले। ट्रांसफ्लूइड लोगों के बारे में जुड़े कई किस्से हमारे समाज में अक्सर सुनने को मिल जाते हैं कि कैसे फला साहब बीच बीच में एक औरत की तरह से पहनने ओढ़ने और बात करने लगते हैं। चौथा वर्ग है क्वियर। अंग्रेजी में क्वियर अलग को कहते हैं। मोटे तौर पर समझा जाए तो क्वियर की परिभाषा में वे सभी लोग आ जाते हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ सामान्य नहीं होती है। इस आधार पर हम क्वियर में LGBTQ के सभी लोगों को शामिल कर सकते हैं, मगर क्वियर की प्रचलित परिभाषा के हिसाब से यह ऐसे लोगों का तबका है जो पैदाइशी तौर पर तो स्त्री या पुरुष है, मगर जिनका दिमाग उन्हें इन दोनों से अलग कुछ समझता है। इन सभी श्रेणियों के अलावा कई जगहों पर क्रॉस ड्रेसर्स, विपरीत लिंगी की तरह कपड़े पहनने वाले और बोई लड़कियों की तरह व्यवहार करने वाले स्ट्रेट लड़के को भी अलग कैटेगरी माना जा सकता है। सो इस तरह आप समझ गए होंगे कि ट्रांसजेंडर और किन्नर या हिजड़ा में जमीन आसमान का फर्क है और जीव विज्ञान के सिद्धांतों के मुताबिक क्रोमोजोम्स XX से फीमेल जननांग और XY से मेल जननांग वाला भ्रूण बनता है। क्रोमोजोम्स के डिसऑर्डर से थर्ड जेंडर भ्रूण बनने की शुरुआत होती है। यानी आप कह सकते हैं कि साइंस के अनुसार ये एक तरह की गड़बड़ी है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुदरत ऐसे करिश्मे दिखाती है। आशा है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर पोस्ट कीजिए और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल गल पंजाब दी। देश दुनिया दे राजनीतिक, सामाजिक ते मनोरंजन जगत दे नाल जुड़न लई साडे चैनल गल पंजाब दी टीवी नू सब्सक्राइब ते सब तो पहला नोटिफिकेशन पाउण लई बैल आइकन प्रेस करो।